टॉपिक है आरआर रोटेशन। आरआर रोटेशन में क्या होता है, इंसर्टेड नोड इज इन दी राइट सब ट्री ऑफ नोड ए। ए नोड के राइट सब ट्री में जब इंसर्शन होगा तो हमें क्या देना होगा, आरआर रोटेशन। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। सपोज करो हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री, इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो होगा, इसका लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट इज माइनस वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि इंसर्ट 12, तो इंसर्ट 12 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 10। 10 से बड़ा होता है 12 तो राइट में जाएगा, और 11 से भी बड़ा होता है तो राइट में जाएगा। अब बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो इसका जीरो, इसका लेफ्ट माइनस राइट की हाइट हो जाएगा माइनस वन, जीरो माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो माइनस टू, हाइट इसकी क्या है टू, तो जीरो माइनस टू इज माइनस टू, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। क्यों अनबैलेंस्ड हुआ, 10 पहले तो बैलेंस्ड था, ये किसकी वजह से हुआ, इस 12 की वजह से। तो ये हमारा ए नोड है, इसके राइट के राइट में इंसर्शन हुआ है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो जब राइट के राइट में इंसर्शन होता है और ट्री अनबैलेंस्ड हो जाता है तो हमें आरआर रोटेशन देनी होती है। ठीक है, आरआर रोटेशन में हमें क्या करना होता है, बी नोड को आपको सेंटर नोड बनाना होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होगा। एलएल रोटेशन में हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज मूव किया था, अब यहाँ पर क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे, बी को हम सेंटर नोड बनाएंगे, यानी कि बी जो है वो 11 बीच में आ जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 10 उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, और 12 क्या हो जाएगा, राइट साइड। तो ए बीच, बी बीच में आ गया, ए लेफ्ट में चला गया, सी राइट में चला गया। अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 0 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया बैलेंस्ड ट्री। तो जब राइट सब ट्री के राइट में इंसर्शन होता है तो हमें आरआर रोटेशन देना होता है, बी नोड को हमें सेंटर नोड बनाना होगा और क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो ये एग्जांपल हो गया आरआर रोटेशन का। इसी का हम अगर जनरल केस देखें तो ये सपोज हमारे पास ट्री है बैलेंस्ड एवीएल ट्री, जिसमें ए नोड है जिसका बैलेंसिंग फैक्टर माइनस वन है, एएल जो है उसका लेफ्ट सब ट्री है जिसकी हाइट एच है, और बी नोड है इसका राइट साइड, बी नोड है और बी के लेफ्ट की लेफ्ट सब ट्री की हाइट एच है और उसके राइट सब ट्री की भी हाइट एच है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज जीरो, यानी कि एच माइनस एच, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब यहाँ पर हम इसकी निकालें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज एच और हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज एच, इसकी हाइट एच है, एक ये हो गया तो एच प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस एच प्लस वन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो ए की हाइट क्या हो गई, माइनस वन, सॉरी बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, माइनस वन। तो ये बैलेंस्ड है, कहीं पर भी प्लस टू माइनस टू नहीं दिख रहा है। अब मैंने कहा आप इंसर्ट एक्स इंटू बी आर, आपको राइट के राइट में इंसर्शन करना है, इसीलिए बी आर में इंसर्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बी आर में हमने एक्स को इंसर्ट किया, तो अब बी आर की यानी राइट सब ट्री ऑफ बी की हाइट क्या हो गई, एच प्लस वन, क्योंकि ये हाइट थी एच और इस नोड की हो गई वन, तो ये हो गई एच प्लस वन, इसकी हाइट क्या है, एच, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, h माइनस एच प्लस वन, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग फैक्टर h माइनस, इसकी हाइट h है लेफ्ट सब ट्री की, और राइट की क्या हो जाएगी, h प्लस वन प्लस वन, तो हो जाएगी h प्लस टू। ठीक है, h प्लस वन प्लस वन, तो h प्लस टू माइनस h माइनस h प्लस टू, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। तो ये नोड जो हो गया वो अनबैलेंस्ड हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इसके राइट सब ट्री के राइट में इंसर्शन हुआ था, तो राइट सब ट्री के राइट में इंसर्शन हुआ जिसकी वजह से ये ट्री हो गया अनबैलेंस्ड। तो ये हमारा ए है, ये बी है, अब क्या करना है, बी को आपको बनाना है सेंटर नोड और कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी के लेफ्ट में ए चला जाएगा, ठीक है, उसके साथ अटैच्ड है ए एन, B के राइट में क्या चला जाएगा, बी आर और X वाला। अब ये नोड एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि B के साथ हम तीसरा नोड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है और बाइनरी में मैक्सिमम टू नोड्स हो सकते हैं किसी भी नोड के। तो ये जो है, क्योंकि वो B का लेफ्ट है, तो अब जो नया लेफ्ट बना है, नया लेफ्ट क्या बना है, B का A,
ये नोड वो उसको दे देगा, और ये इसके किस जहाँ पर भी स्पेस होगी, इसके पास कहाँ पर स्पेस है, राइट साइड, तो ये इसको अपना राइट साइड बना लेगा। ठीक है, तो ए के साथ पहले ए एल था, लेकिन अब बी एल भी उसके साथ अटैच हो गया, क्योंकि ये नोड एक्स्ट्रा हो गया था बी के पास, जो उसने किसको दे दिया, ए को दे दिया। अब आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे, तो इसकी हाइट एच, इसकी हाइट एच, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस वन, और इसकी हाइट भी क्या है, एच प्लस वन, तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड ए वी एल ट्री। अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो यहाँ पर क्या है कि सपोज हमारे पास ये ए वी एल ट्री है, तो हमने इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लिए, ये बैलेंस्ड है। अब 65 को इंसर्ट करना है, तो 34 से ग्रेटर होता है, 44 से भी ग्रेटर होता है, 56 से भी ग्रेटर होता है। तो 65 इंसर्ट हुआ, जब हमने बैलेंसिंग फैक्टर निकाला तो ए का हो गया -2। तो ये ए है, ये बी है, उसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस वाले केस के अकॉर्डिंग देखें। तो अब क्या करना है, बी को सेंटर नोड बना के इसको कैसे घुमाना है एंटी क्लॉक वाइज। तो बी के लेफ्ट में क्या आ गया, 34 और 26, और राइट में क्या आ गया, 56 और 65। ये नोड हो गया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इसका बी का लेफ्ट चाइल्ड था, तो अब नए वाले लेफ्ट के पास चला जाएगा, यानी कि ए के पास। तो जब आप इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ज़ीरो और -1 ही मिल रहा है, यानी कि ये बैलेंस्ड हो गया।